पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा। ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बड़ा है। एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है, किसी को अंदाज नहीं था। हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था, लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से, नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग, उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था, और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिया, इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है, और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर, इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है, और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़कर के गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या?
अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने सचमुच में हम सब ने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भलीभांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा। हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक दो एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी, एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टेयर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन रहे। सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढवा बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है, ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। कोरोना में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है,
संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं।